दोस्तों अभी देख सकते हैं क्या ही मस्त दिख रहा है अभी प्रिंस और सोनू और हम लोग आ गए हैं थावे मंदिर और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत तादाद में पुलिस आए हैं। दिखाओ, वाह। तो देखिएगा मानसी लहंगा पहन रखी है और काफी प्यारा लग रही है। देखिए इतना सारा पूरी तल दी है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब, उम्मीद अच्छे होंगे, नंबे अच्छे। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आज है मानसी का बर्थडे और आप लोग अभी से विश कीजिए मानसी को। और आपको भी मैं विश करूंगी। आप भी विश करोगी? आप थैंक यू बोलना। तो चलिए आप सब हमारे साथ बने रहिए और देखिए क्या क्या करते हैं हम बर्थडे के दिन मानसी के। और बहुत ही खुशी का पल है, बहुत ही प्यारा व्लॉग होने वाला है, तो आप सब लास्ट तक बनिएगा। तो चलिए आप सब बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों सुबह का 7 बज रहा है और अभी हम लोग कहीं निकलेंगे। हाँ, तो बर्थडे के लिए कहाँ जा रहे हैं, तो आप सब बने रहिए, देखने को मिलेगा। तो चलिए आप सब बने रहिए। मौसम जो देख सकते हैं अभी धूप निकला है हल्का हल्का, बट ठंडा काफी ज्यादा बढ़ गया है। देख सकते हैं चारों तरफ धूप निकला है बट ठंडा बहुत ज्यादा लग रहा है। तो चलिए अभी काजल को लेके चलते हैं और मानसी को, और कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसलिए ना होगी। वे लोग रेडी हो गए हैं नहा धोवा के और सिर्फ मैंने खा लिया है, बाकी काजल और मानसी नहीं खाए हैं। तो काजल को तो पूजा करना इसलिए नहीं खाई है और मानसी कह रही है मैं मंदिर पे खाऊंगी। तो चलिए अभी निकलेंगे घर से और चलिए उससे पहले बाइक को निकालते हैं बाहर। चलिए दोस्तों चलते हैं, निकलते हैं घर से और देख सकते हैं अभी क्या। बेटा बैलून बाद में खरीदेंगे। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने। लो काजल, क्या है ना दोस्तों, बलून वो गैस वाला बलून है जो आसमान में उड़ जाता है वहाँ है, तो वही मानसी बेटा कह रही है खरीदने के लिए, तो वहाँ खड़ा है। चलिए चलते हैं और भैया नहीं तो बड़े पापा आएंगे, वहाँ रहेंगे रूम में। मम्मा मेरे बलून के पास सीटें जा रही हूँ। नहीं सब बैठ जा रही है, हमको लगा आपको बैठाना पड़ेगा। अरे लेकिन मैं अपने से ही बैठ जाती हूँ। अपने से ही बैठ जाती हूँ। बैठ जाती हूँ, बैठा नहीं पड़ता। ठीक है चलिए हम भी दौड़ते हैं और मैं कपड़ा चेंज कर ली हूँ। हाँ कल खरीदने वाले थे, नहीं था वहाँ पर। बैठो। सतत निगरानी रखेंगे और किसी भी परिस्थिति में लॉ एंड ऑर्डर। हम लोग आ गए हैं थावे मंदिर और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत तादाद में पुलिस आए हैं, क्योंकि आज कोई मतलब नेता आने वाले हैं और इस वजह से इतना पूरा जाम है, भीड़ है। चलिए चलते हैं पूजा करने। चलो क्या चाहिए आपको? अच्छा अभी मंदिर से आते तो ले लेना, ठीक है? अभी लोगी? ठीक है ठीक है। तो अभी चल रहे हैं हम लोग मंदिर में और ये देख सकते हैं बैनर लगा है बहुत ज्यादा और आज भीड़ भी बहुत ज्यादा। कौन सा दिन है कजन? फिर भी भीड़ बहुत ज्यादा है, देख सकते हैं। रास्ता अलग रास्ता से जाना पड़ रहा है क्योंकि उधर रास्ता जाम है पूरा, तो उधर से एंट्री बंद है आज, है ना? चिट्ठी का धोल धोल मैं पकड़ा हूँ, धोल पैर धोगे क्या? नहीं नहीं पैर नहीं धोना। चलो हो गया। फिर चुके बुटेली। तो देखिए अभी अंदर तो एंट्री हो गया है ना इधर से, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। अभी तो कोई कह रहे थे कि मंदिर बंद है। चलिए बाहर। हाँ कह रहे हैं कि 12 बजे के बाद खुलेगा, पता नहीं। देखिए चलिए लोग तो बहुत सारे आए हैं, देख सकते हैं। क्या है कि अभी एंट्री अलाउ नहीं है क्योंकि 12 बजे के बाद एंट्री होगा। तो चलिए थोड़ा देर वेट करते हैं और देखते हैं कब तक एंट्री अलाउ होता है, फिर पूजा करके ही जाएंगे क्योंकि घर से आए हैं पूजा करने के लिए, तो बिना पूजा किए कैसे जाएंगे, है ना? चलिए वेट कर रहे हैं दोस्तों। हम लोग उधर अभी गेट नहीं खुला है, करीब 1-1.5 बजे खुलेगा, तो इतना वेट नहीं कर सकते हैं, घर पे भी बहुत ज़्यादा काम है। तो यहाँ बजरंग बली का मंदिर है तो यहीं पे गोल लगा लेंगे, है ना? शाम हो जाएगा। हाँ अभी तो आए भी नहीं है जो भी आने वाला है। तो चलिए अभी पूजा कर लेते हैं काजल यहीं पे।
और हमारे साथ एक ये आई है और एक भाभी आई है। तो हम लोग सोचे भी नहीं थे कि मतलब कि, क्योंकि हमें पता ही नहीं था इस चीज़ के बारे में। तो चलिए काजल अभी वहाँ पे पूजा कर रही है। तो यहीं पे काफी लोग दर्शन कर रहे हैं। जय हो बजरंगबली। हाँ, लेट के वजह से हम लोग जा रहे हैं क्योंकि कोई गारंटी नहीं कब मंदिर खुलेगा, इसलिए बाहर से ही पूजा कर ली और चले चलते हैं घर पे। तो हम लोग घर आ चुके थे और आके काफी सारा इंतजाम किए। अभी काजल साफ सफाई में लगी हुई है और हटो ना प्रिंस। और हमने बहुत सारा सब्जियां लाया है, तेल और रिफाइंड, क्योंकि पूरी बनेगा, पूरी और सब्जी। और हम किसी को इनवाइट नहीं करेंगे क्योंकि बस तीन घर हैं, भाभी घर, प्रिंस घर और हम तीनों ही मिलके सब लोग है ना कर लेंगे। तो चलिए हम चल रहे हैं केक लाने और पनीर लाने और लेके आते हैं फटाफट से। हाँ। प्रिंस वही पर चाबी वाले ले लो, प्रिंस बक्सों पर चाबी वाले ले लो गाड़ी। तो चले जाते हैं, केक लेके आते हैं फटाफट से। फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए हैं केक लेके, और ये देख सकते हैं केक और ये कुछ कुछ चीजें हैं, टोपी वगैरह। बेटा रखो, मैं फ्रिज में रख दे रहा हूँ। हाँ। चलो आज मेरा बर्थडे है। हाँ। तो चलिए दिखाते हैं, अपडेट देते हैं। वैसे हमारे सेकंड चैनल पर मिल गया होगा अपडेट। और इधर देख सकते हैं बहुत सारा खाना बनाई है काजल। देखिए इतना सारा पूरी तल दी है, तो इतना सारा बैलून जो है फुला दिए हैं सभी लोग मिलके बाबू। और मानसी को देखिए अभी भी अभी ये लगाए घूम रही है। और अभी शाम हो गया है, पनीर छूट गया था तो पनीर लेके आए हैं, काजल अभी बनाएगी। बस चलिए लाइट लगा देते हैं अच्छा वाला एक। मैंने सबसे पहले मैंने ही विश किया था, आप सोई थी तभी विश किया, तभी तो आप उठी थी ना। याद आया आपको? हाँ। बोलो थैंक यू पापा। हाँ भैया ने आपको विश नहीं किया? किया। बोलो थैंक यू भैया। दोस्तों अभी देख सकते हैं क्या ही मस्त दिख रहा है अभी प्रिंस और सोनू और मानसी और विकास, तीनों लोग चारों लोग मिलके इतना ही प्यारा सजा दिए हैं जिसमें मुंडी ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा सबका है ना। बैठ के केक कटिंग होगा ना। ना ना इंसल्ट की बात नहीं है, कि इधर से पूर्व पश्चिम कटाई नू। हाँ तो इधर से इधर काटेंगे और इधर से कैमरा होगा ना, यहाँ बात हो ना इस टाटी पे दिखा ना। हैप्पी बर्थडे लिख रहा है, हैप्पी बर्थडे। वाओ प्रिंस थैंक यू। मानसी भैया को थैंक यू बोलो, आपके बर्थडे की सजावट कर रहे हैं। ये हैप्पी बर्थडे लिखा है बेटा आपका। जाओ मदद करो, जाओ जाओ। और काजल उधर सुबह से ही दोस्तों खाना बनाने में लगे हैं, काफी टेस्टी टेस्टी खाना बना रही है जो कि सभी लोग खाएंगे। और बाकी अभी सजावट चालू है, झालरी मलरी भी टांग दिया प्रिंस। हाँ मैं थोड़ा वीडियोज के लिए कुछ एक वीडियोज था अर्जेंट वाला, वही शूट कर रहा था। और काफी सारा सामान अरेंज किए हैं हम दिन में। और ऊपर का लाइट वेपर लाइट तो जल गया है, वैसे एक और वेपर लाइट ला के यहाँ पे लगाएंगे, अनुज के पास है तो वो जला देंगे तो काफ़ी अच्छा रोशनी आ जाएगी है ना बेटा। तो चलिए मज़ा आएगा, अभी बॉक्स भी लाएंगे, यहाँ पे डांस भी होने वाला है, प्रिंस नाचेगा है ना। खाना वाना बन चुका है, छोटा सा थाली पड़ जा रहा है इसलिए काजल ऐसे ढाकी है। बाकी इधर काजल अभी झाड़ू लगा के इधर साफ सफाई कर देगी सबसे पहले, उसके बाद से एक लगाते हैं इसमें वेपर है ना प्रिंस। चलो वेपर लेके आते हैं। मानसी अभी रेडी हो रही है और बहुत ही प्यारा ड्रेस लग रहा है ना बेटा, और देख सकते हैं काफी प्यारा लग रहा है। काजल जो है रेडी करा रही है मानसी को, कहाँ है कान का गोल्ड, आपका कान तो छेद आया ही नहीं है। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है ये माहौल जो कि देख सकते हैं बाहर में। और मानसी बहुत ही थोड़ा एक बार खड़े होकर दिखा दो दोस्तों को, और पीछे जाओ और पीछे जाओ। वाह खेल को दिखाओ,
वाओ। तो देखिएगा मानसी लहंगा पहन रखी है और काफी प्यारा लग रही है। अभी दुपट्टा ले लेगी है ना बेटा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा एंड इस वीडियो को उम्मीद है कि आप सब लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिएगा एंड जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।